गायों का कब्रगाह बना सरकारी आदर्श गौठान, ठोस दिया भेड़ बकरियों की तरह गायों को, नहीं दी भोजन और पानी की व्यवस्था, 9 गायों की हो गई मौत। जांजगीर चांपा जिले के खोखरा आदर्श गौठान में एक ही दिन में 9 गायों की मौत हो गई। लंबे समय से गौठान में रहने वाली गायों को न चारा मिला न पीने को पर्याप्त पानी। जब मामला उजागर हुआ तो सरकारी अफसर और जिम्मेदार एक दूसरे पर थोपने लगे जिम्मेदारी। पेश है हमारे जांजगीर चांपा ब्यूरो रवि गोयल की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी गांव-गांव में चला रखी है। राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए आदर्श गौठानों का निर्माण कराया है, लेकिन जिम्मेदार लोग इन गौठानों में मवेशियों के लिए समुचित व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और उनकी मौत हो रही है। पशु चिकित्सा विभाग का अमला भी गौठान पहुंचा और शुरू किया इलाज, लेकिन देखिए किस तरह। मवेशियों की मौत की खबर कलेक्टर साहब तक भी पहुंची, तो पहुंचे साहब गाड़ियों में निरीक्षण करने लाव लश्कर के साथ। साहब पहुंचे तो चारा भी आ गया और पानी भी, होने लगे हैं तमाम इंतजाम अब मवेशियों को बचाने के। सवाल ये उठता है कि अभी तक ये इंतजाम कहाँ थे, क्या कर रहा था सरकारी अमला, क्या गायों की मौत का कर रहा था इंतजार। पहले तो नहीं की मवेशियों के रहने और भोजन पानी की पर्याप्त व्यवस्था, अब दे रहे हैं ग्रामीणों को भी दोष। किसान लोग गरुआ कोई काम के नहीं आ रहा है, क्योंकि सब रोड में ढील दे रहा है, तो गांव-गांव के आदमी आसपास के ला के इस गौशाले में डाल दे रहा है। कांजी हो सो आसपास में है नहीं, इस कारण खाना के ना पाने के वजह से गरुआ मन के मौत होते है। रोज के 5 ठन 4 ठन 10 ठन रोज ही मरत है। अभी 450 जानवर में 35 नग अभी तक एक हफ्ता में गियो। चारा दे रहा है सरपंच लोग, लेकिन थोड़ा थोड़ा दे रहा है, तो थोड़ा प्रसाद जैसे खाने में पेट नहीं भर रहा है, इस कारण कमजोर होकर मर जा रहा है। अभी 35 नग मैं हटाया हूँ अभी तक से। कितने दिन में? एक हफ्ता में 35 नग हटाया हूँ। आज 9 नग हटाया हूँ, कल 1 नग हटाए थे, परसों 3 नग था, नरसों 2 था, आज का 9 है। सरपंच अपन सुविधा देखा देगा कि भाई जो है बोला मैं करा था, लेकिन वो कर रही तीला तो खिला ही वहा, अपन देख रेख करा थे। इतना जानवर में कम से कम एक ट्रैक्टर पैरा एक दिन में चाहिए, लेकिन 10 बोरी 5 बोरी पैरा दे थन तो वह थोड़े पुरहीगा। इस कारण भूख के कारण सब कमजोर होके मरा थे। यहाँ पर किसी तरह की बीमारी नहीं थी, ये जानवरों को लगभग जैसा बता रहे हैं 1 माह से यहाँ रखे हुए हैं, और उस हिसाब से उनको चारा पानी जैसे अभी हरा चारा बाहर चलने पे मिलता है वो नहीं मिल पा रहा था। कुछ जानवर उसमें कमजोर थे जिनका की उपचार चल रहा था। भीड़ में कमजोर जानवरों को उस तरह से खाने को नहीं मिल पाता, जो बड़े जानवर हैं वो ज्यादा खा जाते हैं, कमजोर जानवर को उतना ज्यादा खाने को नहीं मिलता। इस तरह से आप फीड और कमजोरी का जानवरों की मृत्यु होना संभावित है, इसकी हम जांच करवा रहे हैं। इसमें जो है ना तो 9 जानवर बता रहे हैं कि पीएम किए हैं आज, और उन्हीं की जानकारी दी है। इसमें जो है ना तो लगभग 25 जानवरों को कमजोरी का ताकत का भी दवाई दी गई है। खोखरा का गोठान है, इसमें सारी व्यवस्था तो है, लेकिन ये जो गोठान है वो दिन के लिए डे सेंटर है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 400-500 गाय को एक महीने से अंदर रख दिए दिन और रात, जिसके वजह से ये बहुत दुबली होके कमजोर हो गई। अब इसका डॉक्टर लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट किए हैं, उसके बाद में फिर पता चलेगा। प्रथम दृष्टया यही समझ में आया कि जो गाय को रात और दिन इसमें बांध के रखे, बाकी सारी सुविधा तो है लेकिन जैसे एक नेचुरल मिलना चाहिए गायों को नहीं मिल पाई, इस कारण मृत्यु ही ऐसा प्रतीत होता है। आगे अब उसका रिपोर्ट आने के बाद देखेंगे क्या कर सकते हैं।